मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर मैप्स एंड ग्लोब्स ऑफ फिफ्थ क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शुड नो अबाउट अवर अर्थ। अवर अर्थ इज ए बिग लैंड सरफेस, इट इज ए big planet that living beings, living things are also available here. Earth केवल एक ऐसा planet है जिसके ऊपर life possible है, जिसमें birds, animals, human beings, plants ये सभी आते हैं। तो हमारी जो earth है वो shape में spherical है और इस स्फेरिकल शेप में हमारे अर्थ में को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो वाटर बॉडी पार्ट्स, दूसरे लैंड पार्ट। तो लैंड पार्ट को कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं और वाटर जो पार्ट है उसको ओशंस का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट समझते हैं। द लैंड सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स, there are seven continents on earth surface. आप मैप पे इनको देख सकते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंटार्क्टिका। ओके, these are the seven continents, these are the seven continents of our earth surface. Next, there are the water body part of earth surface known as oceans. There are five oceans on our earth: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Antarctica Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean. These are the five oceans on our land surface. So we will discuss about the water body surface. The Atlantic Ocean, Pacific Ocean is the largest ocean in the world. Pacific Ocean is the largest ocean in the world, and the Arctic is the smallest. And last में जो बच गया, Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the second largest ocean. Now we discuss about the shape of the earth. बेटा, starting में ऐसा समझा जाता था कि जो हमारी अर्थ है उसका जो सरफेस है वो फ्लैट है, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हमें पता चला, किससे पता चला, जो स्पेस से फोटोग्राफ्स ली गई या कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में गए वहां से फोटोग्राफ्स लेने के बाद, जैसे कि एक है फेर्डिनेंड मैगेलियन, इन्होंने ये प्रूव किया कि हमारी जो लैंड सरफेस है उसका सरफेस फ्लैट ना होके स्फेरिकल है, लाइक ऑरेंज है। आपने ऑरेंज देखा होगा ना कि किस प्रकार के उसके जो सिरे हैं वो थोड़े से दबे हुए होते हैं और जो उसका जो भारी पार्ट है वो कैसे उभरा हुआ होता है। तो इस तरीके से हमारी जो अर्थ का सरफेस है वो स्फेरिकल है। ग्लोब, ग्लोब क्या है, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ आवर अर्थ। देखिए, अगर जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही हमारा जो अर्थ हमें दिखाई दे रही है। हम देखिए, दिस इज ए ग्लोब। हमारी अर्थ की शेप सेम ऐसी है, सेम इसी की तरह आपको लग रहा होगा, क्या हमारी अर्थ ऐसे ही झुकी हुई है? हाँ, बिल्कुल हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर इसी प्रकार से झुकी हुई है और ये हमारे अर्थ
का ट्रू मॉडल है और इसी तरीके से वेस्ट टू ईस्ट मूव करती रहती है। ये हमारा ग्लोब है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इस ग्लोब से हमें केवल जो ओशन कॉन्टिनेंट्स की एक्चुअल साइज ही पता नहीं चलती, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आवर्स मूव करती रहती है। ये सब नॉलेज भी हमें इस ग्लोब से मिलती है। ग्लोब के बेटा, अगर ग्लोब को उसके यूज के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, मैप्स क्या होते हैं? मैप्स जो होते हैं वो हमारे अर्थ सरफेस कवर किया जाता है, जिसके एक फ्लैट पेपर के ऊपर हमारे जो कंप्लीट अर्थ को शो किया जाता है। ओके, तो ये मैप है। अब इस मैप्स के यूज के अकॉर्डिंग इन मैप्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थेमेटिक मैप्स। आप पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? पॉलिटिकल मैप शो करते हैं बाउंड्री जो स्टेट्स, कंट्रीज, सिटीज। तो इस टाइप्स के जो मैप होते हैं लाइक दिस टाइप के मैप पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। फिजिकल मैप्स, व्हाट आर फिजिकल मैप्स? फिजिकल मैप्स शो द फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड सरफेसेस लाइक हिल्स हुए, ओशंस हुए, डेल्टा हुए, प्लेन्स हुए, माउंटेन्स हुए, ऐसे लैंडफॉर्म्स को और लैंड सरफेसेस को फिजिकल मैप्स में शो किया जाता है विद डिफरेंट साइन। ओके, नेक्स्ट थेमेटिक मैप्स। थेमेटिक मैप्स क्या होते हैं? थेमेटिक मैप्स में किसी पर्टिकुलर थीम को दिखाया जाता है, जैसे पॉपुलेशन, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, कैसा जो कितना रेनफॉल है, कितने कहाँ कितनी इंडस्ट्रीज है, कैसा ट्रांसपोर्ट है, ये सब थेमेटिक मैप्स में शो किया जाता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मैप्स, लैंग्वेजेज ऑफ मैप्स। अब देखिए, मैप्स को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी मैप्स को ऐसे पढ़ नहीं सकते, हमें इसमें क्या समझ में आएगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा अगर हमें इसकी लैंग्वेज नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कौन कैसे पढ़े हम इसको। तो सबसे पहले जो हम जब भी किसी मैप को पढ़ेंगे तो सबसे पहले डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। डायरेक्शंस कैसे शो की जाती हैं? इस तरीके से डायरेक्शंस को मैप पे शो किया जाता है, यानी कि इसका जो अपर पार्ट है उसको हम नॉर्थ समझेंगे, लोअर पार्ट को हम साउथ, इधर ईस्ट और इधर इसको वेस्ट समझेंगे। डायरेक्शन को कुछ इसके सब डिवाइड किए जाते हैं, जैसे अगर इस पार्ट को शो करना होगा तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए इसका कुछ सब डिवीजन है, इसको नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इनको डायरेक्ट सब डायरेक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट स्केल, देखिए बेटा, डिफरेंट टाइप के स्केल इनके ऊपर यूज किया जाता है। द डिस्टेंस ऑफ लैंड सरफेस कैसे शो किया जाएगा मैप के ऊपर, इसके लिए स्केल का यूज किया जाता है। जैसे अगर किसी लैंड सरफेस का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, वो हम मैप के ऊपर कैसे शो करेंगे? मैप के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर को इक्वल करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर।
या फिर कोई 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर होगा, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्केल यूज कर लेते हैं। स्केल्स भी दो तीन तरह के होते हैं, एक लाइनियर स्केल होते हैं, ये लाइनियर स्केल होते हैं कि सबसे पहले एक लाइनियर स्केल में लाइंस होती हैं, उनको पहले टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और टू पार्ट्स को भी उनके कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये लाइनियर स्केल होते हैं। और इसमें इनको डिस्टेंस शो किया जाता है। ओके, तो ये लाइनियर स्केल का एग्जांपल है। तो स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी मैप को रीड करने में हमारी बहुत ही हेल्प करता है, तो स्केल बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट, कलर्स। कलर्स कैसे यूजफुल होते हैं? अब देखिए, इस कलर में यहां जो आपको दिख रहा है कलरफुल मैप है, ऐसे ही ग्लोब भी आपको दिख रहा है कलरफुल मैप है। इसमें कुछ जो ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में शो किया गया है। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? देखिए, जैसे कि इसके लिए कुछ डिसाइड किया गया है, कुछ कलर्स डिसाइड किए गए हैं किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, जैसे कि वाटर है उसके लिए ब्लू कलर किया गया है, जैसे ब्लू कलर जो सैलो वाटर होगा वहां, और डार्क ब्लू डीप वाटर सरफेस के लिए यूज किया जाता है। ब्राउन कलर हिल्स के लिए ब्राउन कलर यूज किया जाता है, और माउंटेन्स और जो बड़े बिग माउंटेन्स होते हैं उनके लिए डार्क ब्राउन कलर यूज किया जाता है। आपकी बुक्स में दिए हुए हैं कि कौन कौन से कलर किस किस लेंथ सरफेस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, आप उनको रीड करेंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट, सिंबल्स। अब देखिए, सिंबल्स को भी मैप को रीड करने में हमारे सिंबल्स बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। एवरी मैप हैज ए की, मैप हर मैप की होती है जिससे हम उस मैप को समझ पाते हैं। दिस की इज कंसिस्ट सिंबल कलर्स यूज इन द मैप इन डेपिक्ट ए मैप इज नॉट लार्ज इनफ टू शो माउंटेन्स ब्रिज। अब किसी भी मैप के ऊपर हम कुछ ऐसे प्लेसेस लाइक रेलवे ट्रैक नहीं दिखा सकते, ब्रिज नहीं दिखा सकते, माउंटेन शो नहीं कर सकते, तो इसके लिए रोड शो नहीं कर सकते, फॉरेस्ट शो नहीं कर सकते। तो इन डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए हमें मैप्स को रीड करने के लिए कुछ साइन डिसाइड किए गए हैं, सिंबल्स डिसाइड कर किए गए हैं। अगर हमें किसी मैप में मान लो कहीं पर ट्री शो करना होगा तो इस तरीके से हम शो करेंगे, कहीं ब्रिज शो करना होगा तो इसके बेटे डिफरेंट डिफरेंट साइन बनाए गए हैं। अगर कहीं पोस्ट ऑफिस है किसी एरिया में तो हम उसको वहां हमें पीओ से हम उसको शो करेंगे। नेक्स्ट, हम कैसे रीड करेंगे? अगर कोई डिस्ट्रिक्ट रोड दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट रोड से हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए ऐसे ऐसे लाइंस होती है, इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, इस तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्री को शो किया जाता है। आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप उनको अच्छे से रीड करेंगे और उनको समझेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन शेयर विद मी। ओके, थैंक यू।